की नवसर्जित नगर पंचायत नहीं है। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो कहीं न कहीं अपने लोग, इसलिए बीजेपी को कोई कमजोर इसलिए नहीं कर सकता कि लोकसभा के चुनाव में या वे शिकायत तो करते थे कि वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है, दरवाजे पर वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में, लेकिन बिना मांगे मित्रों 67,000 वोट अगर मिल सकता है किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के किसी में कम हो लेके दिखा दे। ये जो मोहेरी लाल के सपने देख रहे हैं, मैं तो मानता हूँ सनमलाल जी को आ जाना था, लेकिन वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अभी चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा था। मैंने कहीं बयान में पढ़ा था कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं तहसील जाऊंगा, मैं थाना घेरूंगा, मैं कार्यकर्ताओं के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपने शरीर का खून भी दूंगा। हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं, खून की जरूरत न पड़े या बीमार न हो, लेकिन तहसील घेरना थाना घेरना पड़े तो उसमें उन्हें कोई कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। कौशल जी आपके माध्यम से इस संगठन के साथियों के हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें हम अपराधी हो गए, कोई महाद्रस के बाबा है कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है, आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। ये आपकी इज्जत बची है, आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे कुर्सी पर बैठ। आज हम क्यों आए, मैंने कहा कि आपका सम्मान कि आपके चरण को गंगा जल से धो के अपने आंगन में नेताओं को छिड़कना चाहिए, चरणामृत पीना चाहिए कि बिना मांगे कमल को 67,000 कमल खिलाया आपने, ये बीजेपी के परिवार के अलावा किसी दल ने हिम्मत नहीं। मुंगेरीलाल का सपना देख रहे सपा वाले, पता नहीं क्या हो गया है, जो उछल रहे ऐसा उछल रहे हैं उनका हाल उसी बरसात के मेढक का होगा। इनको उछलने दीजिए, पानी जब बढ़ता है तो घर भी डूबता है, और जो घर डूबता है तो आजकल देखिए बिजली भी गिर रही है, बिजली गिर रही ना, आप देख रहे हैं हमारे कितने गरीबों की मौत हुई, हमारी पहाड़ा की एक बच्ची। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।